सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग का लास्ट डे है गाइस बनारस में, और आज जो जो मंदिर बचा है गाइस आज हम लोग उसका दर्शन करेंगे, और आज काफ़ी सारे वीडियोस बना रहे हैं हम लोगों को। इसमें आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, आई होप गाइस आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि गाइस मैं ना डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो डेली आप लोगों को अपडेट देना है सबका। गाइस मैं ब्लॉग शूट करके गाइस और रात को एडिट करके आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कल रात को गाइस मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रहा था अपने ब्लॉग का, तो काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए गाइस। आप लोग ने काफ़ी कुछ सजेस्ट किया मुझे, और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि संकट मोचन ज़रूर आप जाना, काशी मंदिर तो हमने कल ही घूम लिया था। बाकी गाइस आप लोग इससे मुझे बनारस का पान भी ट्राई करने बोला है, तो ज़रूर गाइस आज इस ब्लॉग में हम वो सब कुछ कवर करेंगे। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर। तो गाइस यहाँ हमारे भाई लोग हैं, बोलो हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर पर, और यहाँ का मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और गाइस ये वही जगह है जो गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिया था। तो अभी गाइस चल के अभी दर्शन करते हैं और आप सबको भी दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर फूल वगैरह और मिठाई वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। बाकी बहुत भीड़ है गाइस इधर, तो जय सिया राम। मैं आप लोगों को दर्शन तो नहीं करा पाऊंगा, और यहाँ भी कैमरा फोन कुछ अलाउड नहीं है। तो गाइस जाते हैं हम लोग दर्शन करके आते हैं। तो गाइस ये है मंदिर, अब इसके गाइस अंदर जाके हम लोग दर्शन करते हैं और फोन को जमा करते हैं। सबका फोन आ गया है, तो जमा करते हैं यहाँ पर गाइस, जमा करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एंड काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया हमारा, और गाइस वो भी काफ़ी अच्छे दिन में हो गया, शनिवार है। पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। संकट मोचन हनुमान जी का गाइस बहुत अच्छे से दर्शन हो चुका है, और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर कचौड़ी जलेबी और छोला खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हमारी दीदी जी लगा रही है, गाइस ये बहुत टेस्टी है। हम लोग अभी आए थे यहाँ पर, हम लोग रात को स्टे किए थे गाइस, तो वहाँ से हम लोग दिल्ली ग्रैंड से गाइस हम लोग चेकआउट चुके हैं, और यहाँ गाइस देख सकते हो सभी लोग अपना बैग वगैरह ले लिए। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अस्सी घाट गाइस, वहाँ से हम लोग बोटिंग करेंगे, एंड बोटिंग करके गाइस हम लोग पहुँचेंगे दशाश्वमेध घाट। तो चलते हैं गाइस फटाफट अस्सी घाट पहुँचते हैं। हम लोग अस्सी घाट पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग गाइस यहां से बोटिंग करके पूरा घाट घूमते घूमते गाइस पहुंचेंगे हम लोग दशाश्वमेध घाट। और आप यहां से देखिए तो ये है अस्सी घाट, अभी हम लोग बोटिंग करेंगे। और गाइस यहां आप देख सकते हो पूरा गाइस एक चांद के शेप में गाइस पूरा ये घाट बना है, इतना बड़ा घाट है, और अभी ये आगे तक है। तो गाइस ये वही है आरती करने वाला, जिसमें गाइस कल रात को यहाँ पर दिव्य आरती हो रहा था गंगा जी का। तो ऐसे गाइस आपको दिन के वक्त ना समझ में नहीं आएगा, और रात को पूरा रूप चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर धूप के नीचे यहाँ पर सजा दिया गया है, और इस अस्सी घाट का मंदिर यहाँ देख सकते हो। सो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं एकदम गंगा नदी के पास खड़ा हूँ, और फिलहाल अभी हम लोग हैं अस्सी घाट के सामने, और गाइस यहाँ पर अभी वीडियो शूट हो रहा है, तो उसको वीडियो बना के फिर हम लोग निकलेंगे दशाश्वमेध घाट। सो गाइस अस्सी घाट में हम यहाँ पर झालमुड़ी खा रहे हैं, बाकी भैया के पास वैसे बहुत सारा वैरायटी है। तो चलिए गाइस अब जाके बोटिंग करते हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे दशाश्वमेध घाट। चलिए सो गाइस बोट स्टार्ट हो गई है, और क्या हवा चल रहा है गाइस, कितना मस्त लग रहा है, और जो खूबसूरती देखने मिल रही है ना यहाँ से पूरा घाट का गाइस खूबसूरती आपको दिखाऊंगा। घाट अस्सी घाट छोड़कर यहाँ तक आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। तो आप ये बनारस का खूबसूरती देखें यहाँ से, तो गाइज यहाँ से चेक कर रहे हैं आप लोग सारे घाट कितना क्लियर दिख रहे हैं, और कितना खूबसूरती गाइज बनारस की खूबसूरती यही है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं प्रेम घाट, कौन सा घाट है ये, छेद सिंह घाट पहुंचे हैं, और यहाँ पर टोटल गाइस 88 घाट है। बनारस आओ ना, बोटिंग जरूर करना, ये बहुत ग्रेट है।
बहुत अच्छा हवा चल रहा है गाइस, और यहाँ से ऐसे बैठे बैठे जो घाट देखने मिल रहा है ना गाइस, वो आपको मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। वो आप लोग आओगे इधर और देखोगे तभी फील कर पाओगे। देख सकते हो ये पूरा एक चांद के शेप में पूरा घाट बना हुआ है इस, यहाँ देख सकते हो। और अभी हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, जैसा सुमित घाट बस पहुँच ही गए ना। सामने से घाट देखने में मजा ही कुछ और है, और आपको सामने ही दिख रहा है गाइस मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका में 24 घंटे यहाँ पर चीता जलते रहता है, लाश जलते रहते हैं। और यहाँ देख सकते हैं गाइस काशी विश्वनाथ मंदिर ललिता घाट से गाइस। तो गाइस हम यहाँ पर की होल्डर ले रहे हैं और आई लव बनारस लिखा हुआ है गाइस, और जब भी गाइस हम लोग यहाँ पर अपना कीस यहाँ पर होल्ड करें तो हमें याद रहे कि हम लोग बनारस से लिए हैं। सो गाइस दर्शन हो चुका है और अभी हम लोग बनारस की गलियों से निकलकर जा रहे हैं गाइस कुछ खाने के लिए। तो गाइस यहाँ का फेमस राज कचौड़ी, केसरी फेमस लस्सी, तुम बता कैसा टेस्ट है? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलो गाइस अभी मैं भी पीने वाला हूँ फेमस बनारस केसरी लस्सी, और चलो भाइयों एंजॉय करो। गाइस टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को कैसा टेस्ट है। तो गाइस आप लोगों ने जो भी मुझे ट्राई करने बोला गाइस मैंने ट्राई कर लिया है, और आप लोगों ने बोला था कि बनारसी पान जरूर खाना, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं गाइस कुबेर पान भंडार में बनारसी पान खाने के लिए। तो भैया पान बनाइए यहाँ पर बनारसी पान एकदम तड़का लगाकर। तो गाइस दिखाते हैं भैया कैसे बना रहे हैं बनारसी पान। ये देखा, ये सॉन कत्था है, इधर पे बने हुए थे देख सकते हो। शाम हो गया है मैंने तो खा लिया अपना और खत्म भी हो गया बस। राजा हम के साक्षी आई थी मिलने के लिए, अभी ये जा रही है गाइस, साक्षी यहीं पर स्टडी करती है BHU में, एंड अभी शाम का 6 बज रहा है गाइस, हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। बाय, अच्छे से जाना, सेल्फी जाना। लोग जा रहे हैं घाट की तरफ, और अभी गाइस गंगा आरती 6:30 शुरू हो जाएगी। शाम हो गया गाइस, शाम का सीन देखो काफी ज्यादा लाइटिंग, और अभी हम लोग है गोदौलिया में। तो गाइस गंगा आरती शुरू हो गया है गाइस, कल हमने 80 घाट पे आरती देखे थे गाइस, आज हम लोग बहुत भीड़ है गाइस यहाँ पर। ये आप चेक करें गंगा आरती, तो गाइस हम लोग बनारस का भी आए हैं दूध पीने के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग का सारा दर्शन पूरा हो गया, हम लोग सभी लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो गाइस बनारस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और फिर वहां से हम लोग निकलेंगे देवरिया के लिए। गाइस यहाँ गाइस सबका हालत देख सकते हैं, सब थक चुके हैं गाइस, सुबह से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बनारसी सिटी, और ऐसा दिखता है यहाँ का स्टेशन। तो गाइस बनारसी सिटी में गाइस यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है, मतलब पूरे ट्रेन को यहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिया गाइस, काफ़ी सुंदर है। तो ना हम लोग रात का खाना हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो देखते हैं गाइस थाली 3 थाली ले लेते हैं, सॉरी 4 थाली। काफ़ी सारे मेमोरीज हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। गाइस ये आप लोग चेक करें गाइस, हमारे फुफा जी गाइस यहाँ पर इतना स्पेशल लिट्टी चोखा दाल गाइस बनवाए हैं। चोखा कहाँ पर है भाई जी? और ये गाइस एकदम किस पे बना हुआ है, एकदम आहरा पे बना हुआ है, भट्टी पे बना हुआ है ये आप देख सकते हैं गाइस। अभी इसका खा के टेस्ट बताते हैं आपको, ये देखो। ओके तो गाइस मैं अभी टेस्ट करता हूँ, ये मैंने लिया लिट्टी, ये है ये चोखा, दाल भी डुबो देते हैं इसी में, ये हो गया दाल, जबरदस्त यार, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी।